हाँ बेटा, आज हम एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू ए सर्कल। बेटा, सर्कल के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, यानी डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। बेटा, आपको पता है कि ये जो सर्कल होता है, ये सर्कल क्या होता है? यानी बेटा, सर्कल जो है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी बेटा, अगर हम सेट ऑफ पॉइंट्स लेंगे एक प्लेन पे, बट देयर इज अ कंडीशन, ये जो पॉइंट्स है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, यानी सर्कल, या कहेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी ये जो पॉइंट्स है, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, व्हेन वी टेक अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, बट देयर इज अ कंडीशन, ये जो पॉइंट्स है, दे शुड बी इक्विडिस्टेंट। यानी अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट आप लेंगे, ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। एवरी पॉइंट विच वी टेक ऑन ए प्लेन, यानी एवरी पॉइंट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। यानी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बेटा कि अगर ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। यानी इन शॉर्ट, एवरी पॉइंट दैट वी टेक ऑन ए प्लेन शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यस बेटा, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ ए सर्कल। एंड वन मोर पॉइंट, सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज ऑलवेज इन साइड ए सर्कल। कीप इन माइंड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। यानी बेटा, ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। नाउ वन मोर पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यानी बेटा, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू ए सर्कल। दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। We take a line segment. We take a line segment, this line segment, line segment AB, and we take another line segment OC. O is here center, and generally the center is denoted by O. We take another line segment OM, and one more line segment CD. Three types of line segments. वन लाइन सेगमेंट हूज बोथ एंड पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्कल। यानी अगर हम बेटा ये लाइन सेगमेंट देखेंगे, इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स है, ये किस पे लाए करते हैं? सर्कल पे। तो इससे हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज डायमीटर। कीप इन माइंड, यानी इससे क्या कहते हैं बेटा? डायमीटर। एंड दिस लाइन सेगमेंट हूज बोथ एंड पॉइंट्स लाइज ऑन ए सर्कल, फिर ये सेंटर में बेटा पास हो जाए या ना हो जाए, तो इससे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। यस, ये तो 9th या लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, मगर आपको मैं बेटा यहां सिर्फ याद दिलाता हूं। वन मोर लाइन सेगमेंट, वन एंड पॉइंट लाइज ऑन द सेंटर एंड अनदर लाइज ऑन द सर्कल। दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। हाँ बेटा, दिस रेडियस इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर, या कभी कभी हम बेटा कैपिटल आर भी लेते हैं। तो ये जो रेडियस और डायमीटर है, इसके मुतलक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बेटा डायमीटर है, इट इज टू टाइम्स आर, और वी कैन से आर इज द हाफ ऑफ डायमीटर। यानी रेडियस जो होती है, ये डायमीटर की क्या है बेटा? यानी हाफ है। यस, यानी रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। नाउ हाँ बेटा, ये जो आप चैप्टर है, यानी किसके बारे में मुझे पढ़ाना है, ये जो एरियाज रिलेटेड टू ए सर्कल, पहले आपको मैं बताऊं कि किस किस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सेकंड, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देन बेटा, यानी कॉर्ड लेंथ ऑफ एन आर्क। वन मोर पॉइंट बेटा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, इस पे भी हमें बात करनी है।
हाँ बेटा वन मोर पॉइंट, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इस सारे पॉइंट जो है, सारे लेक्चर जो है बेटा एक एक टॉपिक में डिस्कस करूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है बेटा, आपको पता है अब ये वाला जो है, ये वाला फिगर, यानी ये वाला फिगर जो है, दिस इज सर्कल, दिस इज बेटा सर्कल। अगर बेटा ये जो सर्कल है, अगर हम इसकी जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल जो बेटा है, ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए, यहां वी टेक अ पॉइंट हियर ए, तो कोई भी पर्सन उसने क्या किया, मूव किया अराउंड दिस सर्कल, यानी स्टार्ट किया पॉइंट ए से, यहां से स्टार्ट किया, यहां 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 और पहुंचा वापस जहां से स्टार्ट किया, यानी वहां पे ही पहुंचा। तो ये जो डिस्टेंस अराउंड सर्कल होती है बेटा, दिस इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, कीप इन माइंड, यानी इससे क्या कहते हैं बेटा, इससे कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। यस, इससे क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। और इससे हम बेटा क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। क्या कहते हैं बेटा, इससे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, कीप इन माइंड, यानी या कहेंगे हम बेटा इससे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, या कहेंगे बेटा इससे हम सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी इस सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ये क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया, यानी ये जो डिस्टेंस, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, दिस इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, और इससे हम बेटा कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। नाउ वन मोर पॉइंट जो अभी बेटा डिस्कस करना है, एक्चुअल में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यानी मेनली तो आपके दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला, हाउ विल वी डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस, देन हाउ विल वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सर्कल, देन हाउ विल वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इसी तरह सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, लेंथ ऑफ एन आर्क, माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। मैंने बेटा आपको बताया ये जो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, हाउ कैन वी डिफाइन द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, मैंने बताया कि ये जो बेटा यानी डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, दिस इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, और पेरीमीटर टोटल डिस्टेंस बेटा, टोटल डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, दिस इज नोन एज द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। नाउ हियर इज अ पॉइंट, यानी देयर इज अ पॉइंट, हाउ कैन वी डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। यस बेटा, यानी हाउ कैन वी डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जैसे कि बेटा आप पढ़ते हो कि हाउ वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, या हाउ वी डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। इसी तरह बेटा यहां आपको एक यानी बाय विच फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे बेटा, दिस इज सर्कल। यस, इफ यू हैव डिटरमाइन द पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, बेटा ये पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ये किसके बराबर होता है सर्कल का बेटा, दिस इज इक्वल टू पाई डी, पाई डी। यस, यानी ये जो बेटा क्या होता है, यानी ये जो सर्कमफेरेंस, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, देन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई डी। मगर बेटा आपको, यानी आप बताओगे सर कभी कभी हम यूज करते हैं 2πr, यस क्यों नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम बेटा, पाई को ऐसे ही लिखेंगे, अभी मैंने बताया ये जो d होता है इट इज 2 times r, यस क्यों ना हम यहां लिखेंगे 2r, यस क्यों, अभी मैंने आपको बताया डायमीटर इज द, यानी इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस होता है, या किसका ट्वाइस होता है डायमीटर, रेडियस का। यस बेटा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, पहले लिखेंगे नंबर पाई आर, ये जो बेटा पाई है, अगर आपको पाई डिफाइन करना है तो ये इस पाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कीप इन माइंड, यानी बेटा ये जो पाई होता है, इस पाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये पाई जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड क्या, डायमीटर, यानी बेटा
ये क्या होगा, यानी पाई इज इक्वल टू एक्चुअली सी अपॉन डी। मगर जब हम न्यूमेरिकल बेटा करते हैं तो यानी अगर हम यहां भी देखेंगे भी, अगर आप कोई भी बड़ा सा बड़ा सर्कल होगे या छोटा सा सर्कल होगे, बड़ा से बड़ा सर्कल होगे या छोटा सर्कल आप लोगे बेटा, फिर क्या करोगे आप इसका सर्कमफेरेंस डिटरमाइन करोगे, फिर सर्कमफेरेंस का डिवाइड करोगे किससे, इसके डायमीटर से, तो वो किसके बराबर आएगा 22/7। चाहे वो कितना बड़ा सर्कल होगा, चाहे वो कितना छोटा सर्कल होगा। तो मैंने आपको बेटा यहां बताया ये जो डी होता है, तो इसका जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी लेते हैं, यानी जब हमें क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ता है किसका वैल्यू, पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, या लेते हैं 22/7, या कभी कभी लेते हैं 3.14। सर ये कब लेंगे और ये कब लेंगे, ये बात तो आपके साथ में डिस्कस करूंगा बेटा। जब क्वेश्चन में लिखा होगा यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, तो बेटा आपको ये लेना है। मगर इफ अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि आपको पाई का वैल्यू क्या, यानी नहीं लेना है ये, यानी क्वेश्चन में है ही नहीं है पाई का वैल्यू क्या लेना है, तो ऑलवेज हम कौन सा वैल्यू लेंगे 22/7। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, सबसे पहला पॉइंट यानी टू फॉर्मूला जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, एक्चुअली दिस इज वन फॉर्मूला ओनली, तो इसी में मैंने ये फॉर्मूला बेटा डिराइव की है। हाँ बेटा, वन मोर पॉइंट, वो पॉइंट क्या है बेटा, कीप इन माइंड वन मोर पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो क्या है बेटा, बेटा दिस इज अ सर्कल, यस दिस इज सर्कल, ये बेटा क्या है, ये तो सर्कल है, हाँ ये बेटा सर्कल है, दिस इज सेंटर, अभी मैंने आपको बताया, हाँ बेटा दिस इज डायमीटर, यस दिस इज डायमीटर, डायमीटर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दिस इज ए ओ बी, दिस इज डायमीटर, एंड वी नो अ सर्कल, यानी अगर हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल को क्या डायमीटर, देन दिस डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, इससे बेटा हम क्या कहेंगे, इससे हम बेटा कहेंगे सेमी सर्कल, और इसको भी क्या कहेंगे बेटा, इससे भी कहेंगे क्या, सेमी सर्कल। Then there's a question, sir, when we have determined the perimeter or the circumference of a semicircle, to sir kaise determine karenge, bas kuch nahi beta karna hai, when you have determined the circumference of a semicircle, to kya karenge, sabse pehla point jo hai, wo aapko yaad hona chahiye ki, yani circumference of circle kiske barabar hota hai, now when you have determined the circumference of a semicircle, to ye jo formula hai, isko kya karenge, beta 2 and 2 will cancel, we get पाई आर, दिस इस फॉर्मूला से हम क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। वन मोर पॉइंट, इफ वी टेक वन मोर डायमीटर, दीज टू डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, यस इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो क्वाड्रेंट्स, तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं, इससे हम बेटा कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। यहां अगर आप देखोगे ये सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको यानी वन मोर पॉइंट, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे बेटा, दिस फार्मूला इज फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, यानी जब हमें यानी क्या डिटरमाइन करना है, सर्कमफेरेंस, सर्कम फ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, ऑफ ए सेमी सर्कल, तो बेटा हम ये वाली फार्मूला यूज करते हैं। बट व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, देन यूज द फार्मूला 2πr। नाउ वन मोर पॉइंट, व्हेन यू हैव डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो करेंगे क्या सर, बस आपके दिमाग में इतना ही होना चाहिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr डिवाइड में क्या करेंगे, 4 करेंगे, वाई,
क्योंकि हमें डिटरमाइन करना है बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. दिस टू टू वन जा टू टू जा व्हाट वी गेट पाई आर डिवाइडेड बाय टू. यानी दिस फार्मूला, यानी इसी फार्मूला से हम क्या करते हैं बेटा, इस फार्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल. इस फार्मूला से क्या करते हैं, इस फार्मूला से हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डिटरमाइन करते हैं. इस फार्मूला से क्या करते हैं, इस फार्मूला से यानी वी डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. I will repeat, हाँ थ्री इंपॉर्टेंट फार्मूलाए. यानी सर्कमफेरेंस ऑफ, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में अगर होगा ना बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, देन वी कैन ईजिली डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. मैंने आपको बताया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यूजुअली वी यूज दिस फार्मूला. ये फार्मूला बेटा हम कभी कभी यूज करते हैं. दिस इज इक्वल टू टू पाई आर. व्हेन नाउ व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज इक्वल टू simple point, when you have to determine the circumference of a semicircle, then divide the circumference of a circle by 2, you get the formula which we use the to determine the circumference of a semicircle. And last point, when you have to determine the circumference of a quadrant of a circle, then divide the circumference of a circle by 4, you get the formula by which याद उसी फार्मूला से हम क्या करेंगे बेटा, यानी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का यानी सर्कमफेरेंस जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. वन मोर फार्मूला, यस बेटा, यानी लास्ट फार्मूला क्या है जो आपको यानी एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है बेटा यानी पहली वाली एक्सरसाइज में जो कि कुछ फार्मूला है जो आपको बेटा काम आएगी. हाँ बेटा, वो फार्मूला क्या है नाउ, यस बेटा अभी बताया बेटा मैंने, दिस इज अ सर्कल, यस दिस इज अ सर्कल. नाउ व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सर्कल, यस यानी अगर बेटा आपको एरिया ऑफ ए सर्कल डिटरमाइन करना है तो किस फॉर्मूला से हम करते हैं बेटा, वी यूज दिस फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. बट कीप इन माइंड दिस आर मीन्स, इट मीन्स रेडियस, यस. यानी बेटा नाउ व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सर्कल तो कौन सी फार्मूला हम यूज करते हैं बेटा, यानी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए सर्कल. सेकंड पॉइंट, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल. बेटा ये कोई सर्कल है आपके पास, ये कोई सर्कल है बेटा, हाँ दिस इज सेंटर. मैंने क्या बेटा ड्रॉ किया डायमीटर, दिस इज सेमी सर्कल. अभी मैंने आपको बताया यानी हाउ वी डिफाइन अ सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल. नाउ व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल. बेटा ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है, सिंपल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, सॉरी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. बस जो मैंने आपको सर्कमफेरेंस में पढ़ाया, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल देन डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल बाई टू, यस. पॉइंट नंबर थर्ड या फार्मूला नंबर थर्ड, ये मेरा फार्मूला नंबर वन, फार्मूला नंबर टू, फार्मूला नंबर थ्री. इससे पहले भी मैंने कुछ फार्मूलाए आपको पढ़ाए बेटा. व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का, यानी मैंने आपको बताया दिस हाउ वी डिफाइन द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल का कौन सा हिस्सा, यानी वन फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल. क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर, और क्या लेना है बेटा, पाई आर स्क्वायर. यानी मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वायर आर इज रेडियस. बट समटाइम्स यू हैव गिवन डायमीटर, सर देन कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिटरमाइन आर, सर कि कैसे, मैंने आपको अभी बताया आर इज हाफ ऑफ डायमीटर, यस. और क्या पढ़ाया मैंने बेटा आपको, और पढ़ाया फॉर्मूला नंबर फोर्थ, मैंने क्या पढ़ाया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू टू पाई आर. यानी व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू टू पाई आर. और क्या पढ़ाया बेटा, बेटा यहाँ चेक करो दिखाई देता है, yes, sir. अच्छा
perimeter for semicircle, for semicircle. ये जो बेटा सर्कमफ्रेंस होती है ये किसके बराबर होती है, मैंने बताया ना, यानी पाई आर. पाई आर कैसे, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 एंड 2 विल कैंसिल, वी गेट पाई आर. वन मोर, यानी फॉर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, फॉर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बेटा सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है, यानी ये जो सर्कमफ्रेंस है किसके बराबर होती है बेटा, मैंने आपको बताया दिस इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाय 4. दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए. हाँ बेटा, आई विल रिपीट. सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट कीप इन माइंड वायर आर इज रेडियस. एरिया ऑफ सेमी सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. कुछ नहीं बेटा करना है, अगर आपके दिमाग में होगा ना एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, देन तो ये जो फार्मूला है हम खुद ही लिख सकते हैं बेटा. क्यों, पाई आर स्क्वायर, व्हेन यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल देन दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. फिर मैंने क्या बताया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये किसके बराबर होती है बेटा, 2 पाई आर. फॉर सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई आर. फॉर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल सर्कमफ्रेंस दिस इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 4. These are some important formulae. Keep in mind, इन formulae को क्या करना है बेटा, अपने mind में, यानी इनको याद करना है, क्योंकि जो भी competitive exam होगा उनमें जरूर काम आएंगे ये formulae. इंशाल्लाह जो अगला lecture होगा वो बेटा हम discuss करेंगे exercise.